कविता का शीर्षक है खतरनाक असलाह। शहर के सारे कब्ज के मरीजों ने चैन की सांस ली, गोलियों ने अपना असर दिखाया। क्या नाम थे उनके? खैर छोड़ो, नाम में क्या रखा है, कुछ भी हो सकते थे उनके नाम, अग्नु, चैतु, इतवारी या मंगलू। पर यह सच है कि किसी भी पटवारी के खाते में उनके नाम नहीं थे और ना ही उनके नाम था शहर में कोई दीवानी का मुकदमा। कभी किसी मास्टर को जहमत नहीं उठानी पड़ी थी उनके नाम स्कूल में दर्ज करने की। पुलिस का कहना था कि वे बड़े खतरनाक लोग थे, खतरनाक असलाह के साथ। उनके चेहरे कुछ ऐसे थे जैसे किसी बिजली के खंभे पर कटीले तारों से बंधे खतरे के निशान पर किसी ने चढ़ा दी हो। कुछ काली मटमैली सी खाल, उनका खाका कुछ ऐसा था जैसे खाल में छुपाकर रखे गए हों कुछ अस्थि पंजर। पर सुनते हैं उनमें गजब की क्षमता थी सुनने और सूंघने की। वे सुन सकते थे कूड़ेदान में पड़े तोंदों में सड़े खाद्य पदार्थों की गंध। वे सुन सकते थे अपान वायु के दबाव में मुक्ति दिलाती तोंदिल टोपों की गड़गड़ाहट। और वे बड़े चले आ रहे थे इस शहर की तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह, गंध व ध्वनि के सहारे। ठीक ही तो कह रही थी पुलिस, उनमें से हर एक के पास थे दो खतरनाक हथियार, हाथ और असलाह भूख। हाथ से बेहतर हथियार और भूख से ज़्यादा खतरनाक बारूद आज तक नहीं बना। वो तो अच्छा हुआ पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया और बता दिया उन्हें नक्सली। कर लिया बराबर अपनी गड़बड़ाई हुई गोलियों का हिसाब भी। बच गए शहर के सारे लोग जो कब्ज के मरीज थे। असरदार निकली पुलिस की गोलियां, उन्होंने चैन की सांस ली।